दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि डॉक्टर ए क्यू खान स्कूल सिस्टम की जो स्कॉलरशिप आती है उन स्कॉलरशिप का जो सैंपल पेपर है इन सैंपल पेपर में किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं और किस तरह से आपको टेस्ट देनी है। ये सारा वीडियो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। उसके बाद मैं ये सैंपल पेपर की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देने वाला हूँ, ये आप ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले, ये जो पेपर है ये अभी सेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो फिज़िक्स का, ये आठवीं जमायत का पेपर है और जो सातवीं जमायत में अभी हैं और आठवीं जमायत में एडमिशन लेना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए है। और भी मेरे पास एमसीक्यूज पड़े हैं, अगर कोई आपसे रابطہ करना चाहे तो मैं उनको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का पेपर होता है, हर सेक्शन होता है, फिज़िक्स का होता है, इंग्लिश का होता है, मैथ का होता है और कुछ कंप्यूटर के एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फिज़िक्स पोर्शन है सेक्शन ए, इसकी पाँच मार्क्स हैं इन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्कल द करेक्शन ऑप्शन ए बी सी डी जो सही आपको लगता है ए बी सी डी से वो ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। जिस तरह से ये फोर्स इज ए क्वांटिटी क्या है, रेंडम है, वेक्टर है, स्केलर है या नन ऑफ दीज, जो आपको ये ऑप्शन सही लगता है वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इस तरह के मैं नीचे नीचे करते जा रहा हूँ। ये फिज़िक्स का पोर्शन था, पाँच को एम सी क्यू से इसके इसी तरह के ये सेक्शन दूसरा है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से आपको ये क्लिक करना है, द जीनियस ऑफ राइस इज इस तरह का ये सारा सेक्शन अलग सा है। अब सेक्शन बी का आता है, इस पर होते हैं 15 मार्क्स, ठीक है। इस तरह के ये आपको एमसीक्यू सारे मिलते हैं, देखें आप खुद पढ़ें। मैं नीचे करते जा रहा हूँ, आपको दिखाना था, मेरा हल करना मकसद बिल्कुल नहीं था इसको, ठीक है। ये साइंस का पोर्शन है जिस पे पार्ट बी है, 15 मार्क्स होती हैं इन पे, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ये सारे एमसीक्यूज हैं। सेक्शन ए मार्क्स 15, इस पे भी ये किस चीज़ का है, ये है इट वाज दिस सिचुएशन अंडरलाइन वर्ड मीनिंग, अच्छा ये इंग्लिश का पोर्शन है, ये इस इंग्लिश का पोर्शन है और ये सारे एमसीक्यूज उसके हैं। ये वो इनका पैसेज होता है, पैसेज से जो मतलब ये है, ठीक है, ये पैसेज है, ये पैसेज से आपको निकालने होते हैं। ये सेक्शन सी है, इनके सारे सेक्शन होते हैं, ये मैथ का सेक्शन है, ठीक है। बहुत ही मुफीद और इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी टफ़ टेस्ट होती है। इनके लिए बाकायदे आपको तैयारी करनी होती है, जिस तरह से आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आप इंशाल्लाह इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये सैंपल पेपर चाहिए तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।